Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course. And in the last video, हमने हमारी application में कुछ animations add की थी, so मैं उन्हें play करने वाला हूँ. So पहले मैं उनकी speed थोड़ी सी slow कर देता हूँ, जिससे आपको वो ज़्यादा visible हो. And you will see ये button and जो हमारा top का search bar है, वो hide and show होते हैं. Now in this video, we are going to learn how we can trigger this animation. So actually यहाँ पे एक finger की icon है और plus लिखा है. And अगर आप उसके ऊपर mouse लेके जाओगे, it will say create क्लिक और स्वाइप हैंडलर. सो हम इस पर क्लिक करके भी वर्क कर सकते हैं. सो सिंपली क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है. एक्चुअली मुझे एक स्वाइप हैंडलर चाहिए. सो सिंपली क्लिक ऑन इट एंड नाउ यहाँ से हमें वो ड्रैग की डायरेक्शन पूछेगा. सो एक्चुअली ये सब कुछ परफेक्ट है, विच मीन्स अगर अपर डायरेक्शन में यूजर मूव करता है एट दैट टाइम ये एनिमेशन ट्रिगर होनी चाहिए. एंड यहाँ पे एंकर साइड, ओके दैट्स ऑल राइट, टॉप चलेगा. एंड यहाँ पे एंकर आईडी, फॉर नाउ मिस एंकर आईडी को एम्प्टी रहने दे रहे हो एंड सिंपली क्लिक ऑन दिस एड एंड लेट्स मूव टू आर मोशन मेन सील फाइल. एंड यू विल सी यहाँ पे ट्रांजिशन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड होने चाहिए. यहाँ पे एक ऑन स्वाइप ऐड हुआ है बट इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी, क्योंकि एंटर स्टूडियो बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स का यूज़ किया है विच इज़ ड्रैग अप एंड टॉप, दैट्स वाई यहाँ ऑन स्वाइप के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं. अगर आप चाहो तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, बट इन आर केस हमें कोई नीड नहीं है. दैट्स वाई ये ऑन स्वाइप एम्प्टी भी चलेगा फॉर आर पर्पज. एंड नाउ ये जो ड्यूरेशन है ऊपर, मैंने चाहते हैं पूरे 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील होता है अगर कोई चीज़ इतने टाइम के लिए रन करे. सो फॉर दैट केस मैं इस ड्यूरेशन को रेड्यूस करने वाला हूँ, जिससे यूज़र को भी ज़्यादा वेट ना करना पड़े. फर्स्ट टाइम एनिमेशन ज़रूर अच्छी दिखती है बट सेकेंड टाइम इट डजेंट लुक दैट गुड. सो मैं इसे 500 सेकेंड या 500 मिली सेकेंड्स में चेंज कर रहा हूँ, विच मीन्स हाफ सेकेंड. एंड नाउ इफ़ यू रन योर एप्लीकेशन, आपके एनिमेशंस वर्क करेगी, आप ड्रैग अप करके देख सकते हो. बट मैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना चाहता हूँ. लेट्स डू इट. सो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ. आफ्टर दैट दिस com.harshrajpur.let's लेट्स ब्राउज एंड इसके अंदर मुझे ब्राउज फ्रेगमेंट में वर्क करना है. सो सिंपली डबल क्लिक ऑन इट. एंड नाउ वॉट आई वॉन्ट इज कि जब हमारे यूट्यूब के अंदर फुल स्क्रीन में यूजर शिफ्ट करता है, एट दैट टाइम ये टॉप का जो सर्च बार है एंड एज वेल एज ये जो बॉटम का फ्लोटिंग बटन है, ये हाइड हो जाने चाहिए. और टू कीप इट सिंपल, हम एनिमेशन ट्रिगर करना चाहते हैं एट दैट टाइम. सो हम सीखे कि हम प्रोग्रामेटिकली एनिमेशंस को कैसे ट्रिगर कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट्स डिफाइन करके तो ट्रिगर करना सीख रहे हैं, बट वॉट इफ़ वी वॉन्ट कि एक पर्टिकुलर कोड के बाद वह एग्जीक्यूट होना चाहिए. सो हाउ वी कैन अचीव दैट, वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ. सो अगर ये मेन एक्टिविटी में करना होता तो ये थोड़ा सिंपल रहता, बिकॉज हमने उसी के लिए एनिमेशंस बनाई है. बट सिंस वी वॉन्ट टू डू इट इन अ फ्रैगमेंट, सो हाउ वी कैन डू दैट, सो सिंपली हियर अबव. एंड सबसे पहले मैं इसे कोलैप्स कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी बेसिस. एंड यहाँ पे ये ऑन रिसीव्ड को भी एंड हियर ये ऑन शो कस्टम आइकन या ऑन शो कस्टम व्यू, हमें इसके अंदर वर्क करना है. एंड ये जो हाइड वाला पोर्शन है, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे एनिमेशंस वापस ट्रिगर करने की ज़रूरत है. सो आर मॉरल ऑब्जेक्टिव इज ऑन शो कस्टम व्यू के अंदर हमें आइटम्स को या हमें एनिमेशन को ट्रिगर करना है. सो सिंपली हियर मैं मेन रेफ का यूज़ करने वाला हूँ, जो हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किए, विच मीन्स मेन एक्टिविटी की रेफरेंस, टू कीप इट सिंपल. एंड सिंपली हियर मेन रेफ डॉट बाइंडिंग डॉट एंड सिंपली हमें यहाँ पे रूट कॉल करना पड़ेगा. सो रूट एंड डॉट एंड यहाँ पे बिलो एक एट्रीब्यूट है कॉल्ड इज ट्रांजिशन टू एंड. सो हमारे लिए वही एक एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट दिस एट्रीब्यूट डू इज, ये हमारी एनिमेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक लेकर जाता है. सो वी जस्ट सिंपली नीड टू कॉल दिस एट्रीब्यूट एंड दैट्स इट. इससे हमारी एनिमेशन ट्रिगर हो जाएगी. सो नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट. सो फाइनली ग्रेडल इज बिल्ट एंड ऐप इज इंस्टॉल्ड एंड मैं इसके अंदर कुछ सर्च करता हूँ. बिफोर दैट लेट्स से हम लोग यहाँ पे स्वाइप करके चेक करते हैं कि एनिमेशन वर्क कर रही है नहीं. सो मैं स्वाइप अप कर रहा हूँ एंड स्वाइप डाउन कर रहा हूँ एंड यू विल सी एनिमेशन इज वर्किंग. एंड नाउ यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, लेट्स से youtube.com, क्योंकि हमें वो कस्टम एनिमेशन ट्रिगर के बारे में भी थोड़ा सा चेक करना है. एंड मैं कोई भी एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ, लेट्स से दिस फर्स्ट वन ओनली. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक ऐड स्टार्ट हो चुका है, सो इसे स्किप करते जल्दी से.
एंड आफ्टर दैट मैं ये जो फुल स्क्रीन है इस पर क्लिक करूँगा एंड यू विल चेक कि एनिमेशन वर्क कर रही है. ओके, यहाँ जो फ्लोटिंग बटन था वो टॉप लेआउट था वो हाइड हो चुके हैं. ना एक बार वापस ट्राई करते हैं. सो मैं नीचे स्वाइप करो जिससे मुझे वो एनिमेशन वापस दिखाई दे, बट इट्स नॉट शोइंग. अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ की एनिमेशंस वर्क क्यों नहीं कर रही? टू कीप इट सिंपल, हमारे वेब व्यू के अंदर एनिमेशंस वर्क कर ही नहीं रही, क्योंकि जब भी एनिमेशंस होती है वेब व्यू से खुद हैंडल कर लेता है स्वाइप्स को और हमारे मेन एक्टिविटी को पता तक नहीं चल रहा कि एनिमेशन है या नहीं. सो नाउ हियर यू विल सी कि वो वर्क करती है हमारे होम फ्रेगमेंट में, बट इन केस ऑफ आर ब्राउज फ्रेगमेंट इट डजेंट वर्क. सो हाउ वी कैन फिक्स इट? नाउ इनसाइड दिस ब्राउज फ्रेगमेंट हमें एक पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा और मैं ये नीचे करने वाला हूँ जस्ट हियर बिलो. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू ओवरराइड इज बाइंडिंग डॉट वेब व्यू डॉट ऑन टच लिसनर. सो यहाँ पे सर्च करते सिंपली ऑन टच लिसनर. सो ये इवेंट हर बार कॉल होता है जब वेब व्यू एग्जीक्यूट होता है या उसके अंदर स्वाइप या कोई भी टच या एनिमेशन होती है. सो ये बिलो वन व्यू एंड ये जो मोशन लेआउट वाला है हमें इसके साथ वर्क है. एंड एक्चुअली हमें व्यू का कोई यूज़ नहीं, इसलिए मैं अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ. एंड एक्चुअली मोशन लेआउट हमारे लिए यूज़फुल है एंड इसके एंड में हमें कुछ रिटर्न करना पड़ता है. सो सिंपली रिटर्न एंड यहाँ पे एक था सेट ऑन टच लिसनर और मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ. एंड इट्स प्रिटी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, मैं थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करूँगा क्यों. एंड नाउ यहाँ पे कुछ वार्निंग है सो मैं इसे सप्रेस कर रहा हूँ एंड यू विल सी वार्निंग हट जाती है. नाउ हम एनिमेशन ट्रिगर करना चाहते हैं इस मोशन इवेंट के हिसाब से. सो सिंपली हियर मेन रेफ का हम लोग यूज़ करने वाले डॉट बाइंडिंग डॉट रूट एंड यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होना चाहिए समथिंग कॉल्ड इज साइड टच इवेंट या ऑन टच इवेंट. सो सर्च करते सिंपली टच इवेंट. सो हियर ऑन टच इवेंट एंड सिंपली पास मोशन इवेंट इन इट. सो मोशन इवेंट एंड दैट्स इट. इससे हमारा इशू फिक्स हो जाएगा. नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज सबसे पहले हम ऑन टच लिसनर को ओवरराइड कर रहे हैं वेब व्यू के. एंड आफ्टर दैट जो भी हमें मोशन इवेंट मिल रहा है हम उसे मेन एक्टिविटी को भी पास कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट हम लोग एक फॉल्स भी रिटर्न कर रहे हैं ये बताने के लिए कि हम इसे हैंडल नहीं कर रहे. अगर हम ट्रू रिटर्न करेंगे आप देखोगे वेब व्यू में स्क्रोलिंग ऑफ हो जाएगा. सो नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड चेक के मोशन इवेंट्स वर्क कर रहे हैं या नहीं. सो ग्रेडल इज बिल्ट एंड ऐप इज इंस्टॉल एंड मैं कोई वेबसाइट सर्च करता हूँ लेट्स से google.com एंड लेट्स हिट एंटर. एंड हियर मैं एनिमेशन के लिए अभी ट्राई कर रहा हूँ एंड यू विल सी एनिमेशन इज वर्किंग एज वेल एज वेब व्यू की स्क्रोलिंग भी वर्क कर रही है एंड इट लुक्स प्रिटी गुड. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.